स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो अभी मैं आ गया हूँ सीट्रॉन के शोरूम। आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे यहाँ पे, और एक्चुअली यहाँ पे सीट्रॉन की एक गाड़ी नई लॉन्च हो रही है रायपुर में। ऑलरेडी वो दिल्ली वगैरह में लॉन्च हो चुकी है, फिलहाल अभी यहाँ पे उसको लॉन्च कर रहे हैं फिलहाल हम लोग। तब तक वीडियो देखिए, और काफ़ी नया एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि मैं भी पहली बार किसी लॉन्चिंग इवेंट में आया हुआ हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो, ये वेलकम्स यू का बोर्ड लगा दिए हैं सीट्रॉन, और यहाँ मस्त रेड कारपेट पे एंट्री चालू हो गई है, और डेकोरेशन तगड़ा कर रहे हैं। एक लड़का कह रहा था भले जो है गाड़ी में फीचर्स हो या ना हो, लेकिन डेकोरेशन तगड़ा होता है। ऐसी बात नहीं है, गाड़ियों में फीचर्स तगड़े तगड़े होते हैं। सीट्रॉन एक नई कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश की है इसने, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। अभी गाड़ी को खोला नहीं गया है, पूरा पैक्ड है, अभी लॉन्च होगा तो बढ़िया करने वाले यहाँ पे। और फिलहाल काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे इनका भैया भी कुछ चल रहा है, तो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। शायद बस 4 बजे का टाइमिंग है अभी, टाइम हो रहा है जो है 32। अपने पास अभी 8 मिनट और हैं, 8 मिनट 5 मिनट और बचे हुए हैं इसके लॉन्चिंग में फिलहाल। और ये सीट्रॉन का शोरूम फिलहाल। गाइस यहाँ पे लॉन्चिंग इवेंट चल रहा है यहाँ सीट्रॉन का, तो अब लाइट्स ऑन हो गई हैं, थोड़ा गाड़ियाँ अभी तक कवर हैं, खुली नहीं हुई हैं, बस 2 मिनट और बचे हुई हैं। और ये लोग अपने जो क्रिएटर्स लोग हैं सब तैयार हो गए हैं यहाँ पे शूट करने के लिए, इसका रिव्यू देने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं, बस कुछ 5 मिनट और बचा हुआ है लॉन्च होने के लिए। ये गाड़ी बेसब्री से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और लोग इधर बस चालू हो गए हैं यहाँ पे। ये भी आपको और कौन सा नहीं मिलता है, ये टॉबिन वेरियंट हम देख रहे हैं, और इसके टेल लाइन को देखें तो वैसे कुछ टेल लाइन में आपको मिल जाता है। थोड़ा 3D का लुक दिया गया यहाँ पे, सीट्रॉन की जो है लोगों मिल जाती है, और यहाँ पे हेलोजन नहीं मिलती है, ये इंडिकेटर जो ऑन है वो भी आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे रिव्यू चल रहा है, यहाँ पे भैया है और एक भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? क्या नाम है चैनल का? CG04 कार्स हैं ये भी, एक गाड़ियों का रिव्यू करते हैं, ये भी गाड़ियों का यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। और ये भैया हैं, इनको तो जानते होंगे बहुत दिनों से आप लोग, वंश का नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना दोनों चैनलों को। और ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है अभी 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 जस्ट यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस, 2 मॉडल है ये, और दोनों की अभी रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे, शूट कर रहे हैं, सब माइक वगैरह तैयार किया जा रहा है, इसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे बस। यहाँ पे इनका जो भैया का कार रिव्यू का जो वीडियो होता है वो यहाँ पे शूट कर रहे हैं कुल मिलाकर। अभी 2 घंटे पहले ये गाड़ी लॉन्च हुई है, तो इसका रिव्यू वीडियो हम लोग यहाँ पे आके शूट कर रहे हैं। कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताया जा रहा है इनका, और मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग कर रहा हूँ। तो ये भाई साहब और हैं, अपना गाड़ी वाड़ी अपना आपका हो गया शूट कर लिया अपना पूरा, दोनों गाड़ियों का रिव्यू कर लिए? डन। कैसा है गाड़ी, क्या बताओगे आप?
अब गाड़ी तो देखो अपने सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ ऐसे लेके आई जो कि ऑन द इन द सेगमेंट कोई भी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है, और कुछ कुछ ऐसे माइनर जो चेंजेस है सिट्रॉन को अपकमिंग गाड़ियों में शायद वो चेंज भी कर दे। इंजन के इंजन सेगमेंट के बारे में क्या है? इंजन सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया लगा जो कि आपको टर्बो इंजन प्रोवाइड कर रही है, वो भी 1.2 लीटर में, और देखते हैं गाड़ी चलाएंगे जब परफॉर्मेंस की बात आएगी, टेस्ट वगैरह करेंगे इसको, दौड़ाएंगे तो कैसी लगती है गाड़ी आपको ज़रूर। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग अभी आज तो रिव्यू कर रहे हैं, आने वाले समय में जल्दी ही इस गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, गाड़ी अब फुल स्पीड में दौड़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इंजन का जो टर्बोचार्ज इंजन मिल रहा है उसका क्या चीज़ है। फिलहाल ये है गाड़ी का रिव्यू, बहुत सुंदर लग रही है यार गाड़ी देखकर, कि गाड़ी लेने लायक गाड़ी है, क्या लग रहा है आपको कमेंट करके दिखाओ, बताओ कि ये जो है 9 से 15 लाख के बीच में दोनों गाड़ी आ जाती हैं। बेस मॉडल जो आती है 9 लाख रुपये में कुछ शुरुआत होती है और 15 लाख तक जाती है, 9 से 15 के बीच में ये गाड़ी आपको मिल जाती है। फिलहाल काफ़ी बड़ी 7 सीटर गाड़ी है, 7 लोग यहाँ पर, यार इसमें 7 लोग, छोटी सी गाड़ी है यार, इसमें 7 लोग बैठ जाएंगे और क्या चाहिए, ताबड़तोड़ चीज़ है यार इतने कम बजट में। फिलहाल यहाँ पर शूट कर रहे हैं।